नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्या जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, भाजपा ओबीसी मोर्चा में बतौर जिला अध्यक्ष के तौर पर आपके 3 साल का जो कार्यकाल है वो लगभग खत्म होने जा रहा है, तो कैसा रहा ये कार्यकाल, कैसा अनुभव रहा आपका? मैम, ये 3 साल पूरे होने वाली है हमारी जी। इसमें हमें इतना सीखने को मिला है, दो तो चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव जी। चुनाव में क्या होता है, असली जो सीखने का कार्य होता है कार्यकर्ता को, चुनाव के माध्यम से होता है जी। चुनाव में कैसे कैंपेन करनी है, कैसे गलियों में जा जाकर वोटों को हम अपने तरफ करते हैं जी। जी, हमने विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लोकसभा का लड़ा, और बूथ स्तर से जो भी बूथ हमारे पे होते हैं, बूथ स्तर से भी हमें सीखने को मिला इसमें जी। दो चुनावों में हमें बहुत अनुभव हुआ, इतना अनुभव हुआ कि हमें पूरी राजनीति का इसी चुनाव के माध्यम से हमें यह पता चल गया है कि किस तरह के हमारे इसमें संगठन की जो रूपरेखा होती है किस तरह होती है। तो सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें, आपने राजनीति के क्षेत्र को क्यों चुना समाज सेवा करने के लिए? मैम, राजनीति के क्षेत्र में सर मैं एक एनजीओ चलाता था, एंटी क्राइम करप्शन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अब भी चला रहा हूँ। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम एनजीओ के माध्यम से नहीं कर सकते, कुछ राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते जी। और इसके साथ साथ हमने जो पार्टी चुनी है भाजपा जी, उसको भी हम एक माँ के बराबर मानते हैं जी। उसके माध्यम से हम और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते। तो कोविड के दौरान अगर देखा जाए तो क्या क्या कार्य करवाए गए हैं आपके द्वारा, क्या क्या समाज सेवा करवाई गई है आपके द्वारा? कोविड-19 में जी हमने आप भी ने एक दो बार हमारा प्रोग्राम में पहुंचे थे, हमने 41 दिन लगातार 1000 से 1200 आदमियों का लगातार खाने का वितरण का कार्य किया जी। भोजन बनाकर भी खिलाया, कच्चा भी भोजन बांटा था, मास्क भी बांटे थे, उसके बाद सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी सेवा करी थी, सब तरह के कार्य हमने लगातार कैंपेन चलाया था 1.5 महीने के आसपास जी। संगठन और जनता अगर आपको मौका देते हैं, आपको या तो पार्षद के तौर पर मौका देते हैं या टिकट देते हैं, वो आपको चुनते हैं जी, तो क्या आप मीन्स जो इलेक्शन है वो लड़ना चाहेंगे, और अगर लड़ना चाहेंगे तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, किस वार्ड से आप लड़ना चाहेंगे? संगठन अगर मेरे को कोई जिम्मेदारी देती जी, संगठन की जिम्मेदारी को पूरी तरह से मैं अपने निभाऊंगा जी। जो भी संगठन ने जिम्मेदारी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने के बाद लोगों की सेवा करूंगा जी। यही मेरी प्राथमिकता है कि उससे ज़्यादा और मैं सेवा करूंगा। तो किस वार्ड से आप लड़ना चाहेंगे? वार्ड नंबर हमारा 9 है जी। वार्ड नंबर 9 से जी। आपका आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र को लेकर क्या लक्ष्य है? लक्ष्य मैडम, भारतीय जनता पार्टी जी के माध्यम से जी जितनी से ज़्यादा मैं लोगों की सेवा कर सकूं, मेरा आगे का लक्ष्य यही है। और आम जन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन को है, जितनी भी हमारी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको सब लोगों को हमने नीचे ग्राउंड तक बतानी है जी कि ये योजना है, और काफ़ी योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने निकाल रखी है, उनको घर घर तक पहुँचाने का हमारा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वायरल सच से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे बीच ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मौर्या जी। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वायरल सच के साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको, ओनली ऑन वायरल सच। नमस्कार।